हमारे दिलों को झिंझोर देती है, हमारी रूह कांप उठती है। तो इस तरीके से दिल से लगन से काम करें तो शायद हमारा समाज में हम बेहतर से बेहतर हालात बना सकते हैं। फजल रहमान साहब बहुत अच्छा एक इश्यू दिए यहाँ पर कि जिले में एक ऐसा लोकैलिटी है, वो बहुत ही ज्यादा डाउन ट्रोडन लोग है, बिलो पॉवर्टी लोग है, और वहां पर लकड़ी का काम चलता है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इंशाल्लाह ताला अगर आप मुझे मदद करेंगे तो मैं इश्यू को टेकअप करूंगी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। 3000 लोग और उनके बच्चे 25 से 24 साल में मर रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ वो जो सराउंडिंग है, जो वातावरण में बच्चे जी रहे हैं, उससे जो नुकसान हो रहा है सांस लेने में, उसका क्या ख्याल है? तो ये ह्यूमन राइट्स है, प्योरली ह्यूमन राइट्स है, ये चीजें हैं। तो ऐसे चीजों को हमको फोकस करना चाहिए, जहां पर एक करंट इश्यू आपने बताया। खैर, ह्यूमन राइट्स को अपनी अपनी सोच से आप लोग समझते हैं, उसको किस तरीके से टेकअप करते हैं, ये अपना नजरिया है। लेकिन मैं यही चाहती हूं कि जिंदगी बहुत छोटी है, 60-70 साल है, हम लोग 40 साल तो अपनी फैमिली को एस्टैब्लिश करके उनको ग्रोन अप करने में, बच्चों को सेटल करने में लगा देते हैं। लेकिन जब हम यकीनन एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक लीडर बनकर के सामने आते हैं, तो प्लीज अपने राइट्स के साथ, सोसाइटी के राइट्स के साथ जब ह्यूमन राइट्स की बात आती है, तो प्लीज उस पर जुड़ जाइए। हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं डेफिनेटली, बट व्हाई वी गैदर्ड हियर? फॉर द वन कॉज, वन रीजन, टू स्टॉप वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये चीज की बात, तो ह्यूमन राइट्स घर से शुरू होता है। जैसे मुझे, अगर मुझे कोई तकलीफ होती है घर में, आई नीड टू रेज द वॉइस। जब आप घर में आवाज उठाएंगे तो शायद आप देश में आवाज उठा सकते। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं शिराज खान, थैंक्स फॉर मिस्टर अहमद सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच, जय हिंद। I request all the ladies who are present here, please come on to the stage. Mohammad Jahangir, please come on to the stage. Good evening, assalamu alaikum aur jai hind sathiyo. आज जैसे कि आज 10 दिसंबर 2019, यानी कि एवरी ईयर एनुअली 10 दिसंबर को इंटरनेशनल या वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। महज खास इसी वजह से मनाया जाता है कि जहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो सके समाज में या नेशन में या जैसे कि सारी दुनिया में, ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के खास वजूहत हो सकती है। जहाँ पर ये एक ऐसी एजेंसी है जहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी पीसफुल सोसाइटी एंड सस्टेनेबल गवर्नमेंट के लिए, और ये बार बार गवर्नमेंट को इंश्योर कराती है कि आप अपना काम बड़ी ट्रांसपेरेंसी से और अक्करी से कर सकें। जब जब यानी कि अत्याचार या अन्याय एक आम आदमी पे होता है या गवर्नमेंट द्वारा होता है या कोई सिस्टम के द्वारा होता है, तब जाकर ये ह्यूमन राइट्स अपनी आवाज़ उठाता है ताकि आम लोगों के साथ या इंसानियत को चूर चूर या इंसानियत का कत्ल ना की जाए। यही वजह है कि आज दुनिया भर में इंटरनेशनल वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। और मुझे यहाँ पर आज मीडिया प्लस में इन्वाइट किया गया था, हमने बहुत ही अच्छी बातें बताई। एक मैसेज हम ये शेयर कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स में अगर काम करना है तो वो अपने घर से करें, क्योंकि घर में जहाँ पर चार लोग होते हैं, एक फैमिली होती है, तो वहाँ पर अनबन होती है, वहाँ पर भी बहुत सारे इश्यूज़ या एट्रोसिटीज़ पैदा होते हैं। अगर घर से ह्यूमन राइट्स की आवाज़ बुलंद हो जाए तो शायद ये समाज, देश और दुनिया में बुलंद कर सकते हैं, और इस ऐसे माहौल में हम जस्टिस दिला सकते हैं। जय हिंद, खुदा हाफिज़।